बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है कॉनिक सेक्शंस। और कॉनिक सेक्शंस में इस लेक्चर में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। कॉनिक की शेप सब कुछ हम देख चुके हैं, ठीक है। हाइपरबोला को डिस्कस किया, पैराबोला को डिस्कस किया, सर्कल को डिस्कस किया, उसके अलावा इलिप्स को डिस्कस किया। ये चार शेप्स हमने देखी हैं। उसके बाद हम उन्हीं की प्रॉपर्टीज़ कुछ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब हम एक्सिस की तरफ आते हैं। यहाँ पर जो टॉपिक है हमारा वो है ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस, ठीक है। सबसे पहले हम ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस को देखते हैं। ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस क्या होता है, ये हम इसको एक मतलब ग्राफिकली समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद उससे रिलेटेड जो इक्वेशंस आएंगी उसको हम देखेंगे। सपोज करते हैं मैं सबसे पहले जो है एक्स वाई एक्सिस बनाता हूँ, एक्स वाई प्लेन बनाता हूँ, ठीक है। इस तरह से इसको जो है वर्टिकली स्टेट कर लेते हैं और इसे कह लेते हैं ये हमारा वाई एक्सिस है, बल्कि इसको हम इस तरह से कहते हैं ये वाई एक्सिस है, ठीक है। और एक्स एक्सिस भी मैं ड्रॉ करता हूँ। एक्स एक्सिस जैसा कि हॉरिजॉन्टल होता है तो इसको हॉरिजॉन्टल और स्ट्रेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस बन जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको मैं मेंशन भी कर देता हूँ, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव साइड है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये तो एक्स वाई प्लेन है, ये जो कि हम पहले भी देखते आए हैं, ठीक है। जब भी हमने किसी भी कॉनिक का ग्राफ ड्रॉ किया या किसी भी पॉइंट को प्लॉट किया है तो हमने ये एक्स वाई प्लेन पहले बनाया है, ठीक है। इसकी रिस्पेक्ट से हम फिर पॉइंट प्लॉट करते हैं या फिर ग्राफ ड्रॉ करते हैं या फिर किसी भी कॉनिक को ग्राफ उसका बनाते हैं। तो अब हमने इन्हीं एक्सिस की ट्रांसलेशन को यहाँ पर डिस्कस करना है। तो इस तरह से हम डिस्कस करते हैं। मैं कहता हूँ कि सपोज करें ये ओरिजिन पॉइंट ये है, ठीक है। ओरिजिन पॉइंट ये है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, हमेशा से 0.0 होते हैं, ठीक है। तो ये इसको ओरिजिनल जो है एक्स वाई प्लेन कहा जाएगा, ठीक है, या ओल्ड एक्स वाई प्लेन कहा जाएगा। तो इसमें अब हम न्यू वर्जन क्या होगा फिर एक्स वाई प्लेन का, वो हम देख लेते हैं, या ट्रांसलेटेड हम किस तरह से उसे बनाएंगे। कि मैं कहता हूँ किसी भी पॉइंट पे मैं इस ओरिजिन को जो है शिफ्ट कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर शिफ्ट करूँ, यहाँ पर ये किसी भी पॉइंट पे मैं ओरिजिन को शिफ्ट कर लेता हूँ। सपोज कर लेते हैं इस केस में हम यहाँ पर इस पॉइंट पे मैं ओरिजिन को ले जाता हूँ, ठीक है। अगर ये पॉइंट ओरिजिन बन जाता है तो फिर क्या होगा, चलें इस पॉइंट को हमने ओरिजिन पॉइंट कह दिया और ट्रांसलेटेड ओरिजिन, यानी कि मैंने इस ओरिजिन की जगह चेंज की तो इसको ट्रांसलेटेड ओरिजिन पॉइंट कहेंगे, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम खुद से कह लेते हैं कि क्योंकि ये भी एक पॉइंट है तो कोई ना कोई इसकी वैल्यू होगी एच कोमा के, हम इसको बोल देते हैं, ठीक है। एच जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट का, इस ट्रांसलेटेड ओरिजिन पॉइंट का, और के जो है वो वाई कोऑर्डिनेट है इस ओरिजिन पॉइंट का। अच्छा, अब ट्रांसलेटेड ओरिजिन पॉइंट का अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर हम जो है ड्रॉ करने जा रहे हैं एक्स वाई प्लेन, ठीक है, ट्रांसलेटेड एक्स वाई प्लेन। तो उसमें क्या होगा, एक्स ट्रांसलेटेड एक्स प्लेन या एक्स एक्सिस ये होगा कि बिल्कुल जो है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। तो इसी तरह से मैं जो है ये बना लेता हूँ स्ट्रेट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ये हमारे पास आ जाती है स्ट्रेट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पर इसको मैं पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रांसलेटेड एक्स प्लेन बन जाती है। उसी तरह से हम जो है वर्टिकली भी एक स्ट्रेट लाइन में बना लेता हूँ, ठीक है। तो इसको भी हम स्ट्रेट कर लेते हैं, इस तरह से हमारे पास जो है ये यहाँ पर आपस में इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है एक्स वाई प्लेन आ चुकी है, इसको थोड़ा सा मैं इस तरह कर लेते हैं। अच्छा, अब ये क्या है, जो ट्रांसलेटेड एक्स एक्सिस है उसको मैंने बिल्कुल पैरेलल टू द ओरिजिनल एक्स एक्सिस रखा है, ठीक है, बिल्कुल उसके पैरेलल जा रही है। इसी तरह से जो ट्रांसलेटेड वाई एक्सिस है उसको मैंने बिल्कुल जो है पैरेलल टू द ओरिजिनल वाई एक्सिस के रखा है, ठीक है, दोनों आपस में यानी कि ये पैरेलल है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, वाई एक्सिस जो है ट्रांसलेटेड वाई एक्सिस ओरिजिनल वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो इसको हम कैपिटल वाई से प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, जो ट्रांसलेटेड वाई एक्सिस है, और जो ट्रांसलेटेड एक्स एक्सिस है उसको हम कैपिटल एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट करेंगे।
ये ट्रांसलेशन है, इस चीज़ को कहा जाता है, यानी कि ओरिजिन पॉइंट को उठाकर हम कहीं और ले गए हैं और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बिल्कुल पैरेलल टू द ओरिजिनल एक्स एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली रहेंगे, तो इसको कहा जाता है ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। ये हमने एक्सिस को ट्रांसलेट किया, उठाकर हमने यहाँ पर रख दिया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, बल्कि उससे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि यहाँ पर इससे मैं अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ यहाँ पर, तो ये डिस्टेंस जो है वो वाई कहलाता है, ठीक है, यानी कि बल्कि जो है ये के इक्वल होगा, क्योंकि इस पॉइंट का ओरिजिन, ट्रांसलेटेड ओरिजिन पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, के है, तो ये डिस्टेंस के कहलाएगा। उसी तरह से जो ये डिस्टेंस है, या फिर यहाँ से लेकर यहाँ ओरिजिन, ओरिजिनल ओरिजिन पॉइंट तक का डिस्टेंस है, वो क्या होगा, वो होगा एच, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ट्रांसलेटेड ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह देते हैं कि ये जो है ये डिस्टेंस h है, ठीक है, और ये डिस्टेंस k है। इसी तरह से हम ये कह सकते हैं ये h है और ये k है। इसको मैं थोड़ा सा जो है ना ट्रांसलेटेड ओरिजिन पॉइंट को इस तरह से हम लिख लेते हैं। अच्छा, अब हमने कोई ना कोई पॉइंट लेना है, चलिए हम ऐसा करते हैं कि एक पॉइंट हम यहाँ पर ले लेते हैं, इस यानी कि ट्रांसलेटेड जो एक्स वाई प्लेन है उसमें मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ। सपोज कर लेते हैं हमारे पास जो पॉइंट है वो यहाँ पर लाई कर रहा है और उसका नाम हम रख लेते हैं पी पॉइंट। अच्छा, इस पी पॉइंट के अब दो तरह के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, ठीक है, एक तो ओरिजिनल एक्स वाई प्लेन के मुताबिक इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई बनते हैं, ठीक है, या फिर जो है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो ट्रांसलेटेड जो हमारे पास एक्स वाई प्लेन है उसके अकॉर्डिंग कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई इसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स बनते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी समझने वाली थी। अब हमने जो है इक्वेशंस इससे लिखनी है। अगर मैं देखूं इसका ये डिस्टेंस कितना बनता है, ये डिस्टेंस अगर हम देखें तो ये डिस्टेंस बनता है जो ट्रांसलेटेड एक्स वाई प्लेन में इसका वाई कोऑर्डिनेट जो बन रहा है, मतलब ये वाई, तो इसको मैं कहूँगा ये कैपिटल वाई है। इसी तरह से इसका ट्रांसलेटेड वाई एक्सिस तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना बनता है, एक्स एक्सिस बनता है, ठीक है, ट्रांसलेटेड एक्स एक्सिस के इक्वल बनता है, मतलब कि ये कैपिटल एक्स एक्सिस है, तो इसको भी हम कह देते हैं ये डिस्टेंस कैपिटल एक्स है और ये डिस्टेंस कैपिटल वाई है। अब हमने इक्वेशंस की तरफ आना है। अब इसी पॉइंट को, मतलब पी पॉइंट जो है, ठीक है, इसको हम लिखेंगे इसका यानी कि ओरिजिनल एक्स कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखना चाहूँ तो वो किसके इक्वल है, ओरिजिनल एक्स कोऑर्डिनेट इसका किसके इक्वल है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब वाई एक्सिस तक का डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस बनता है। अब ये डिस्टेंस कितना बनता है, अगर मैं यहाँ से भी देखूँ एक्स एक्सिस की ऊपर भी लेके आऊँ, ठीक है, परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो मतलब इस पी पॉइंट से एक्स कोऑर्डिनेट हम किस तरह से निकालते होते हैं, किसी भी पॉइंट का हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये मैंने जो है ओरिजिनल एक्स एक्सिस तक मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बन रहा है ओरिजिन तक, ठीक है, ये जो है ये डिस्टेंस कहलाएगा एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, और किसके मुताबिक, ओरिजिनल एक्स एक्सिस एक्स वाई प्लेन के मुताबिक, ठीक है, इसलिए मैंने स्मॉल लिखा है स्मॉल एक्स, क्योंकि हमने ओरिजिनल को स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट किया है एक्स वाई प्लेन को, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये डिस्टेंस आप देख सकते हैं, ये डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम ऊपर मेंशन कर चुके हैं कैपिटल एक्स के इक्वल है, मतलब ये मैं लिखूँगा कैपिटल एक्स, उसके बाद प्लस यहाँ तक का मैंने डिस्टेंस देखा, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस तो ऐड करना ना, क्योंकि हमने ओरिजिन तक पहुँचना है, तो ये डिस्टेंस आप ये देख सकते हैं कि ये हमने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है एच के इक्वल है, मतलब कि स्मॉल एक्स जो है यानी कि ओरिजिनल एक्स एक्सिस या ओरिजिनल एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट जो है वो क्या है, कैपिटल एक्स या ट्रांसलेटेड एक्स कोऑर्डिनेट प्लस एच, ठीक है, और एच क्या है, एच जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ट्रांसलेटेड ओरिजिन पॉइंट है। इसी तरह से वाई भी हम फाइंड कर सकते हैं, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट
अकॉर्डिंग टू ओरिजिनल एक्स वाई प्लेन, तो वो क्या बनेगा, कैपिटल वाई प्लस के। वो भी हम ग्राफिकली देख लेते हैं किस तरह से, कि आप यहाँ से देखें जो वर्टिकल डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये कहलाता है वाई, स्मॉल वाई, ठीक है, इसको हम कहेंगे ये स्मॉल वाई है, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस, ठीक है, यानी कि एक्स एक्सिस तक का डिस्टेंस ये कहलाएगा स्मॉल वाई। अब ये डिस्टेंस किस तरह से हम मेजर करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस तो हमने ऑलरेडी कहा हुआ है ये कैपिटल वाई है, तो वो मैंने लिख दिया कैपिटल वाई। उसके बाद ये डिस्टेंस कितना बनता है, ये डिस्टेंस हमने यहाँ पर इसके इक्वल है, ठीक है, ये डिस्टेंस आप देख सकते हैं के इक्वल है, तो मैंने ये लिख दिया प्लस के, मतलब दिस वन इज़ वाई कैपिटल वाई एंड दिस वन डिस्टेंस इज के, तो वाई प्लस के इज इक्वल टू स्मॉल वाई डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हमने जो है ओरिजिनल एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हमने देखे, ठीक है, पी पॉइंट के, तो इसको हम कहते हैं कि ये इसको इक्वेशन नंबर वन कह देते हैं। इसी तरह से हम जो है मतलब कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई कोऑर्डिनेट्स भी देख लें, यानी ट्रांसलेटेड जो बन रहे हैं कोऑर्डिनेट्स उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये कैपिटल एक्स यानी कि ट्रांसलेटेड एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट क्या बनेगा, ट्रांसलेटेड एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट क्या बनेगा, इसके मुताबिक इससे आप देख सकते हैं कि एक्स या एक्स माइनस एच बनता है, यानी कि मैंने इसी इक्वेशन से लिख लिया इक्वेशन नंबर वन से, ठीक है। तो ये ट्रांसलेटेड वाई कोऑर्डिनेट किसके इक्वल बनता है, वो बनता है स्मॉल वाई माइनस के, इसको इक्वेशन नंबर टू कहते हैं। अब ये जो हमारे पास आए हैं, ठीक है, ये इक्वेशन जो आई हैं स्मॉल एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच और स्मॉल वाई इक्वल टू वाई कैपिटल वाई प्लस के, इसको बोला जाता है इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, इन सबको क्या बोला जाएगा, इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये इक्वेशंस जो हैं वो आगे जाके एक्सरसाइज में यूज़ होंगी, ठीक है, ये आपने याद रखनी है। तो इसमें यानी कि हमने थोड़ा सा देखा कि ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस क्या होता है और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ट्रांसलेटेड या ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशंस क्या हैं, वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। तो आगे हम जो है, ये तो ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस था, अब हम रोटेशन की तरफ आते हैं। रोटेशन ऑफ एक्सिस क्या होता है, रोटेशन ऑफ एक्सिस, रोटेशन ऑफ एक्सिस जिस तरह से ट्रांसलेशन हमने देखा उसी तरह से हम रोटेशन को भी ग्राफिकली स्टडी करेंगे, ठीक है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं जो है एक्स वाई प्लेन बनाऊंगा, ओरिजिनल एक्स वाई प्लेन, ठीक है, तो इस लाइन को हम वर्टिकली स्ट्रेट कर लेते हैं, तो ये वाई एक्सिस बन जाएगा, ठीक है, इसको मैं स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, स्मॉल वाई एक्सिस। उसके अलावा या इसको हम ओल्ड वाई एक्सिस भी कह सकते हैं, ठीक है, उसके अलावा हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी बनाना है, तो ये इसको आप कह सकते हैं, ये जो है इसको अगर स्ट्रेट कर लें और यहाँ पर हम इसको रख लें, तो ये हमारे पास जो है एक्स वाई प्लेन बन जाता है, ठीक है। या मज़ीद हम इसको आगे कर लेते हैं क्योंकि हमारे इस यहाँ पर हमने समझना है इस चीज़ को। तो ये हमारे पास जो है ये स्मॉल एक्सिस, इसको कह लें एक्स एक्सिस, ये एक्स वाई प्लेन हमारे पास आ जाता है, ओरिजिनल एक्स वाई प्लेन, तो ये यहाँ पर ओरिजिन लाई करता है। उसके बाद हमने ये देखना है रोटेशन को, इसमें देखना है रोटेशन में क्या होगा, जिस तरह से ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस में क्या किया था, हमने ओरिजिन उठाकर हमने कहीं और पॉइंट बना दिया था, ठीक है, किसी भी क्वार्टर में आप बना सकते हैं, तो हमने ओरिजिन उठा के कहीं और पे पॉइंट बना दिया था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो इसमें डिफरेंस क्या है फिर, इसमें डिफरेंस ये है कि हमने नाम से जाहिर है रोटेशन है, मतलब हमने एक्सिस को रोटेट करना है, यानी कि ये एक्स एक्सिस है तो इसको मैं उठाकर यानी कि रोटेट करूँगा किसी एक एंगल पे, ठीक है, सपोज कर लेते हैं ये एंगल जो है ये अल्फा एंगल या थीटा एंगल इसे कह लेते हैं, ठीक है, ये थीटा एंगल पे मैंने जो है अबाउट ओरिजिन मैंने इस एक्सिस को रोटेट किया, ठीक है, तो इसको मैं कह देता हूँ ये हमारे पास जो है रोटेटेड एक्स जो है रोटेटेड एक्स है, ठीक है, इसको चलें हम कैपिटल से रिप्रेजेंट करेंगे रोटेटेड एक्स एक्सिस। इसी तरह से अब इसके परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर लें, तो परपेंडिकुलर लाइन अगर इसके ड्रॉ करें इस तरह से बनेगी, तो ये कहलाती है रोटेटेड वाई एक्सिस, ठीक है।
तो मतलब कि हमने एक्स वाई एक्स एक्स कोऑर्डिनेट या एक्स एक्सिस को आपने जो है थीटा जो है रोटेट किया है अबाउट ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है रोटेशन कहलाती है, ठीक है, इसको कहा जाता है रोटेशन ऑफ एक्सिस। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि ऐसा करते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं पी पॉइंट, हम यहाँ पर एक पॉइंट पी ले लेते हैं, और इस पी के भी दो किस्म के कोऑर्डिनेट्स बनने होंगे। मतलब एक पॉइंट, एक कोऑर्डिनेट्स को मैं स्मॉल में रिप्रेजेंट करता हूँ ओरिजिनल एक्स वाई प्लेन के मुताबिक, एक्स और वाई जो है इसके यानी के कोऑर्डिनेट्स बनते हैं, और अगर मैं इसको जो है रोटेटेड एक्स वाई प्लेन के मुताबिक देखूं तो इसके कोऑर्डिनेट्स बनते हैं कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स बनते हैं, ठीक है। तो ये हमने जो है इसका अब देखना है कि इसकी इक्वेशंस क्या बनेगी, इक्वेशंस या ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशंस क्या बनती हैं, वो हमने यहाँ पर देखना है। देखें, अगर मैं अगर आप इन यानी कि एक्सिस को भूल जाएं जो रोटेटेड हैं, तो मैं फाइंड आउट करना चाहूँ कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है ओरिजिनल एक्स वाई प्लेन के मुताबिक, और ओरिजिनल जो है वाई कोऑर्डिनेट क्या है ओरिजिनल एक्स वाई कोऑर्डिनेट के मुताबिक, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से जो है ड्रॉ करूँगा परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के ऊपर, और यहीं से मैं ड्रॉ करूँगा परपेंडिकुलर वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारे पास जो डिस्टेंस बनेगा, ये डिस्टेंस, ठीक है, ये एक्स कोऑर्डिनेट बन जाता है, ठीक है, ओरिजिनल एक्स वाई प्लेन के मुताबिक, और ये वर्टिकल जो डिस्टेंस है ये वाई कोऑर्डिनेट बन जाता है ओरिजिनल और एक्स वाई एक्सिस के मुताबिक या एक्स वाई प्लेन के मुताबिक। उसके अलावा हम यहाँ से एक डिस्टेंस बना लेते हैं, यानी कि ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस देख लेते हैं, ये इस तरह से अगर मैं इसको ज्वाइन करना चाहूँ तो ये डिस्टेंस दोनों केसेस में, दोनों एक्स वाई प्लेन्स में सेम रहेगा, क्योंकि ये ओरिजिन से है, ओरिजिन को तो हमने छेड़ा ही नहीं है, बिल्कुल सेम पॉइंट पे है ओरिजिन, तो इसको हम आर डिस्टेंस कह लेते हैं, ठीक है। ये आर डिस्टेंस है जो कि जो ओरिजिनल एक्स वाई प्लेन में भी ये डिस्टेंस आर ही रहेगा, और अगर रोटेटेड के हिसाब से देखा जाए तब भी ये डिस्टेंस आर ही रहेगा, क्योंकि ओरिजिन पॉइंट और पी पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा आफ्टर रोटेशन या बिफोर रोटेशन ऑफ एक्सिस। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, ठीक है, चलें ये तो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ओरिजिनल एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उसको हम एम कह देते हैं, ठीक है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं रोटेटेड एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो ये इस तरह से परपेंडिकुलर बनता है। उसके अलावा अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ट्रायंगल आ चुकी है, ठीक है। इससे उसके पहले मैं इस पॉइंट यानी कि जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट का नाम हम क्यू रख लेते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो है एक ट्रायंगल बन चुकी है जिसमें ये एक एंगल बन रहा है जिसका नाम हम अल्फा रख लेते हैं, ठीक है, ये अल्फा आ जाएगा। अब इस ट्रायंगल के मुताबिक आप देखें कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है कैपिटल एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि रोटेटेड एक्स के मुताबिक, रोटेटेड जो है एक्स वाई प्लेन के मुताबिक हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का क्या बनेगा, ओ से लेकर क्यू तक का डिस्टेंस, ठीक है, ओ से लेकर क्यू तक का डिस्टेंस ये बनता है एक्स कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंग टू रोटेटेड एक्स वाई प्लेन। तो फिर अब हम ओ क्यू डिस्टेंस को किस तरह से देख सकते हैं कि ओ क्यू डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस है, ठीक है, अगर ये अल्फा एंगल है और ये आर डिस्टेंस है और ये एक ट्रायंगल है तो उसके हिसाब से ये आर कॉस अल्फा ये डिस्टेंस बनता है ओ क्यू, ठीक है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ आर कॉस ऑफ अल्फा के इक्वल है ये ओ क्यू डिस्टेंस। इसी तरह से आप देखेंगे कि जो वाई कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पी पॉइंट अकॉर्डिंग टू रोटेटेड एक्सिस वो क्या है, यहाँ से लेकर पी से लेकर क्यू तक का डिस्टेंस है, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट, तो हम इसको कहेंगे कैपिटल वाई इज इक्वल टू पी क्यू डिस्टेंस है, ठीक है। और पी क्यू आप देख सकते हैं इस ट्रायंगल के मुताबिक क्या बनता है, वो आर साइन अल्फा बनता है, आर साइन ऑफ अल्फा, ठीक है। अगर आपको याद हो जो ट्रिगोनोमेट्रिक
फार्मूलाज हैं, ठीक है, कॉज अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, तो उसकी मदद से आप ये लिख सकते हैं, बेस हाइपोटेन्यूज वगैरह, ठीक है, कॉज अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, कॉज थीटा किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसी तरह से साइन अल्फ़ा किसके इक्वल होता है या साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर हावर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर यूज़ किया और ओ क्यू और पी क्यू इस ट्रायंगल में मैंने फाइंड कर लिया, कौन सी ट्रायंगल, ओ पी क्यू या पी ओ क्यू ट्रायंगल बन लिया, ट्रायंगल पी ओ क्यू के मुताबिक ये आ रहे हैं हमारे पास जो है एक्स कोऑर्डिनेट्स और वाई कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई भी हमने फाइंड आउट करना है। स्मॉल एक्स किस तरह से आएगा, उसके लिए ये ट्रायंगल बनेगी, ये ट्रायंगल बनती है, ठीक है। तो ट्रायंगल जो है वो है पी ओ एम। अब इसमें क्या होगा कि स्मॉल एक्स अगर आप देखें वो किसके इक्वल है, ट्रायंगल के मुताबिक आर कॉस, अब इसमें एंगल क्या बन रहा है, थीटा प्लस अल्फा, ये एंगल बन रहा है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं थीटा प्लस अल्फा, ये रोटेशन आई है इसमें, ठीक है। इसी तरह से वाई कोऑर्डिनेट अगर हम देखना चाहें ओरिजिनल एक्स वाई प्लेन के मुताबिक, तो आर साइन थीटा प्लस अल्फा बनता है, ठीक है। तो अगर हम इसको मज़ीद जो है सॉल्व करके लिखें, मतलब कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा मैं यहाँ पर यूज़ करूँ, तो ये एक्स इज़ इक्वल टू बन जाता है आर कॉज थीटा कॉज अल्फा माइनस आर साइन थीटा साइन अल्फा। इसी तरह से वाई कोऑर्डिनेट फिर किसके इक्वल आ रहा है, आर साइन थीटा कॉज अल्फा माइनस आर कॉज थीटा इंटू साइन अल्फा। तो ये हमारे पास जो है रोटेटेड एक्स वाई प्लेन आ जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा हम फिर ये भी लिख सकते हैं, ये आर कॉस थीटा किसके इक्वल है, आर कॉस थीटा हम ऊपर देख चुके हैं, आर कॉस थीटा कैपिटल एक्स के इक्वल है, यानी कि रोटेटेड एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि एक्स स्मॉल एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस अल्फा या एक्स कॉस थीटा माइनस, बल्कि ऊपर क्या था, अल्फा यूज़ हो रहा था, ठीक है, आर कॉस अल्फा है, तो ये आर, इसको मैं रब कर दूँ, ये आर और ये कॉस अल्फा मिलके एक्स बना देते हैं और बाकी कॉस थीटा बच जाता है, वो साथ में आ गया। और इसी तरह से जो है माइनस आर और साइन अल्फा, आर और साइन अल्फा मिलके जो है कैपिटल वाई बना देते हैं, जो कि आप ऊपर देख सकते हैं, ठीक है, और साथ में साइन थीटा बच जाता है। और इसी तरह से स्मॉल वाई अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या होगा, ये आर और कॉस अल्फ़ा मिलके क्या बना देते हैं, एक्स बना देते हैं, ठीक है, कैपिटल एक्स, और साइन थीटा जो है वो एज इट इज़, और उसके बाद प्लस आर और साइन अल्फ़ा मिलकर जो है कैपिटल वाई बना देते हैं, ठीक है, और साथ में कॉस थीटा एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये रोटेटेड एक्सिस के जो है कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। तो ये आपको याद भी होने चाहिए और इसकी आपको समझ भी होनी चाहिए, यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस लेक्चर को हम ख़त्म करते हैं और जो है नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड एक्सरसाइज को स्टडी करेंगे।